दोस्तों मैं आज का इस वीडियो बताने वाला हूं, अगर आपका अकाउंट केनरा बैंक में है और जीमेल आईडी आपके अकाउंट के साथ लिंक है फिर भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है, यानी बैंक की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं ताकि आपका स्टेटमेंट आना शुरू हो जाए। साथ साथ मैं दिखाने वाला हूँ कि आपका जीमेल आईडी आपके अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आपको कैंडी एप्लीकेशन यानी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं केनरा बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर देखिए व्यू योर बैलेंस पे आपको क्या करना है, एरो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस शो करेगा और थोड़ा सा आपको नीचे आना स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है मोर मेन्यू। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्विस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्विस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए सर्विस में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है सब्सक्राइब ईमेल अकाउंट स्टेटमेंट, आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देखते हैं मैंने यहाँ पर ये ऑफ किया हुआ है, तो इसीलिए ईमेल पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसको ऑन कर देना है और यहाँ पर आपका जीमेल आईडी शो करेगा। अगर जीमेल आईडी शो नहीं कर रहा है यानी आपका जीमेल आईडी आपके अकाउंट साथ लिंक नहीं है। ठीक है, अगर लिंक है तो यहाँ पर आपको शो कर, जैसे मेरा शो कर रहा है। तो इसको ऑन करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करें उसको डेली अगर चाहिए तो आपको डेली पर क्लिक करेंगे, वीकली चाहिए तो आपको वीकली क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया देखते मेरी अपडेट हो चुका है, यहाँ सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है आप सेट कर सकते हैं ताकि आपका ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट आता रहे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसे अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखना आप पसंद करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।